तो चलो। अरे नहीं, मिस हो गया। लो मैं ट्राई करता हूँ। मेरा भी मिस हो गया। निशाना लगाना होगा। इसे इस पे मारना इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो ये क्या है? देखो ये क्या कर रहा है। ये तो इस आर्टवर्क पर पिक्चर बना रहा है। ओह ये ठीक नहीं हुआ। ओ नहीं, टीचर आ गई। यहाँ क्या चल रहा है? इस पीस ऑफ आर्ट को क्या हुआ? बहुत हुआ। आर्ट पावर्स, चलो। वो अरे वाह, जरा हमें देखो। रुको, लिपस्टिक। उप्स, माफ करना, मैं ठीक कर देती हूँ। लो, काफी बेहतर। उस स्क्वायरल को बोलो मेरी आइसक्रीम वापस देकर जाए। इस रोड से नहीं जाऊंगी। हाँ, चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट में सबसे अच्छा हूँ। पेंटिंग मजेदार है। ओ नहीं, उसके कंप्यूटर पर पेंट लग गया। समझ गया, मैं इसे साफ कर देता हूँ। रुको, ये तो फैल रहा है। ओ नहीं, ये तो और भी गड़बड़ हो गई। ये पूरा पिंक हो गया। वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगी। भूल गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। मुझे शक हो रहा है। एक सेकंड रुको। मेरा लैपटॉप, इसे क्या हो गया? तुमने इस पर पिंक कलर कर दिया। वहाँ क्या है? एक स्ट्रॉ। रुको, मैं इसका हल निकाल सकती हूँ। हाँ, ये रहा मेरा खराब हुआ हुआ लैपटॉप। मुझे और पेंट चाहिए। जी हाँ, और ज्यादा पेंट लगाना ही इसका हल है। व्हाइट और येलो भी, और थोड़ा पर्पल। कितना सुंदर है। अब हम इसमें थोड़ा ब्राउनिश येलो डालेंगे। हाँ, अब स्ट्रॉ की बारी है। इस पेंट पर फूंक मारना शुरू करेंगे। लैपटॉप के ऊपर इसे फैलाने के लिए हवा का इस्तेमाल करेंगे। बस करते जाए। अलग अलग कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और इन पैटर्न्स और टेक्सचर से कितना कूल लग रहा है। वाह, ये तो एक जबरदस्त आर्टवर्क बन चुका है। कितना खूबसूरत है। मुझे समुद्र की लहरें याद आ रही हैं। ये इतना प्यारा बन कैसे गया? वाह, इस कंप्यूटर को देखो, कितना कूल है। तो किटी, तुम एक आर्टिस्ट को आर्ट करते हुए देखना चाहती हो? ये वाला बहुत अच्छा होगा। आखिरकार जितने रंग उतना बेहतर। बस थोड़ी और ह्यूज बनानी है। मेरे हाथ थक गए हैं। कितना अच्छा बन गया? या शायद नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। वहां क्या हो रहा है? कलर ब्लाइंडिंग। हाँ, हम ये कर सकते हैं। कितना बढ़िया ग्रेडियंट है। वाह, अब हमें सही शेड्स ब्लेंड करने होंगे। ऐसा लग रहा है मार्कर स्मूथ कर रहे हैं। और ये रहा कलर मैजिक। देखते हैं इससे कैसा दिखेगा। कलर चेंजिंग यूनिकॉर्न बनाना कितना मजेदार है। जरा इसे देखो, ये वाला पार्ट बहुत अच्छा होगा। यहाँ एक यूनिकॉर्न रेनबो बन रहा है। मैंने इससे तेज कलर कभी नहीं किया। हर सेक्शन में एक नया कलर ग्रेडियंट दिखेगा। देखा अभी कैसा लग रहा है। इस तरफ थोड़ा ध्यान से। बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। तुम्हें अच्छा लगा है ना? मैं बोर हो रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? समझ गए, थोड़ा आर्ट हो जाए। पहले ऑरेंज पेंट से शुरू करेंगे। आर्ट मजेदार है। जब आप क्रिएटिव हो तो बोर होना मुश्किल है। कुछ पीते रहना चाहिए। ओह नहीं, मैं क्या सोच रही थी, मेरी उंगलियों पर पेंट लग गया। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूं? पेंट पूरे ग्लास पर लग गया। रुको, मैं तो जीनियस हूँ।
जी हाँ, एक साफ ग्लास से शुरू करते हैं और उंगली से पेंट लगाते हैं, इतना काफी होगा। अब मैं ऊपर की तरफ टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाऊंगी। बढ़िया, और थोड़ी और। अब इन कलर डैब्स के नीचे थोड़ा सा मार्कर लगाएंगे। ये हो गया। ई, कितना प्यारा है। ऐसा लग रहा है मेरे ग्लास के आसपास लाइट्स लग गई। ये पहले से बहुत सुंदर दिख रहा है। मैंने ये बना कैसे लिया? चलो थोड़ा और जूस पिए, मैं इसी की बात कर रही थी। वो बहुत खूबसूरत है, देखते हैं मैं उसे अपनी टैलेंट से इम्प्रेस कर पाता हूँ या नहीं। इस ब्लू से शुरू करेंगे। मुझे और भी रंग चाहिए होंगे। इस हार्ट में पिंक कलर करेंगे। देखो, उसे इस पेंटिंग से मेरा मैसेज मिल जाएगा, शायद उसे ये पसंद आए। तुमने ये मेरे लिए बनाया है? निकलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। हाँ, ये बकवास है। रुको, क्या? ओह नहीं, मेरे पूरे हाथों पर पेंट लग गया। आज का दिन बहुत ही बुरा जा रहा है। इससे पहले मैं गड़बड़ कर दूं, मैं पेंट धो लेता हूँ। साबुन तो चाहिए ही होगा। एक सेकंड रुको। वाह, ये देखो, सर्च पर पेंट लग गया है। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ये रहा पानी का बोल और मेरा डिश सोप। और बिल्कुल, मुझे थोड़ा पेंट भी डालना होगा। इसे पॉपस्टिकल स्टिक से मिक्स कर दे। तो चलो, ये थोड़ा सर्ट सी हो गया है, पर हमें और बबल्स चाहिए। अब स्ट्रॉ से इसमें फूंक मारते हैं। वाह, इन बबल्स को तो देखो, ये आ ही जा रहे हैं। जी हाँ, तुम्हारा काम पूरा हुआ स्ट्रॉ। अब बबल्स पर पेपर रख देंगे और इसी तरह। वाह, बबल्स पेपर पर आ गए। हाय, मैंने तुम्हारे लिए ये कार्ड बनाया है। तुमने ये मेरे लिए बनाया? वाह, मुझे पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। हे भगवान, मेरे साथ क्लास तक चलोगे? ये तो काम किया। लगता है तुम खूबसूरत हो। हाँ, मैं तुम्हें और भी अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। उसे मेरी ये लाइंस बहुत पसंद आएंगी। ये हूफ्स बनानी थोड़ी मुश्किल है। लो, मैं ऐसा भी नहीं बनाना चाहता था। ये है क्या? चलो हम इसे दोबारा ट्राई करें। तीसरी बार में सही होगा, है ना? इस बार अच्छा ही बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये नहीं हुआ। तो चलो। ये अभी तक का सबसे बुरा है। मैं कभी भी फेमस आर्टिस्ट नहीं बन पाऊंगा। ये न्यूज काफी इंस्पायरिंग था, पर अब मैं क्या करूं? एक मिनट रुको। ये परछाई कितनी जबरदस्त है। ये बहुत आसान होने वाला है। अपने सब्जेक्ट पर लाइट डालें और उसकी परछाई पर आउटलाइन करें। मैं हर बम्प और रूप को बना रहा हूँ। और हॉर्न्स। और अब ये पूरा हुआ। अब इसमें थोड़े कलर हो जाए। एक मार्कर्स का सेट लेते हैं। इसमें कलर बहुत अच्छे से हो रहा है। ये वाला तो पूरा होने वाला है। हम ये तो भूल ही गए। क्या वैन गो को इस ट्रिक के बारे में पता है? बढ़िया। हे, मेरा तुमसे पीछा क्यों नहीं छूट रहा? देखते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ से सही लग रहा है। हे ग्रैंडपा, आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी? बहुत अच्छे, अच्छे रंग इस्तेमाल किए। ओह, इन रंगों को तो देखो, मुझे ये चाहिए होंगे। आपको ब्रशेस नहीं चाहिए? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और पेंट का काम पूरा हुआ, तुम्हें कैसा लगा? ठीक ही लग रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। इस प्लास्टिक शीट को लेकर इसे नीचे ड्रैग करेंगे। ओह, जरा इसे देखो तो सही।
अब ये देखो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। हे भगवान, ये बहुत अच्छा है ग्रैंडपा, मुझे पसंद आया। ठीक है, मेरी टेप तैयार है और ये यहाँ लगेगा। चलो ड्राइंग शुरू करें। उफ, जैसा मैंने सोचा था ये उससे मुश्किल है। अब मुझे ये रंग चाहिए, बस लाइंस खराब ना हो जाए। ये तो बहुत बुरा दिख रहा है। हे रुको, ग्रैंडपा के पास टेप है। योइंग, मैं ये ले रहा हूँ ग्रैंडपा। ठीक है, ये रही मेरी टेप की स्क्रिप्ट। अब यहाँ कलर्ड मार्कर्स रखेंगे। अब इसे टेप पर फोल्ड करेंगे और टिका देंगे। हाँ, और ये बहुत शानदार बनने वाला है और ये बहुत अच्छे से काम करेगा। एक बेहतर रेनबो बन जाए। ये काम किया, मैं जीनियस हूँ। वाह, बहुत अच्छे। हम और मार्कर से भी तो बना सकते हैं। हाँ, बहुत सारे मार्कर से हम कैसा रेनबो बनाए। क्या ये सेफ रहेगा? आर्ट में क्या सेफ्टी मेरे बच्चे। तो चलो देखते हैं क्या बनेगा। किसने कहा रेनबो सिर्फ आंख में ही आते हैं? मैं यहाँ से ले जाऊंगा और यहाँ घुमाऊंगा। अब पेपर के इस तरफ भी। और अब जहाँ से शुरू किया था वही वापस जाएंगे। वो हो गया, अब ये पूरा हुआ। जरा इसे देखो, ये तो कोई बर्ड जैसा लग रहा है। वाह, ठीक है, ये पीस तो पूरा हुआ। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता पर मुझे लगता है ये मास्टरपीस है। मैं इसे ईजल पर सेट कर देता हूँ। वाह, मुझे बहुत पसंद आया। ओह, बबल्स, मुझे इसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हाँ, देखो ये कितने सारे हैं। मुझे बबल्स पसंद है। हे, मैं आ गया। ओह, मैंने पेंटिंग गिरा दी। ये मेरा मास्टरपीस था। इससे अच्छा मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। एक सेकंड रुको, बबल्स, मुझे इससे बहुत अच्छा आइडिया आया। ये रही प्लास्टिक बॉटल, मैं इसके ऊपर से काटूंगा। जहाँ से ये खुला है वहाँ पर एक नेट लगाएंगे। अब हम इस ग्लास फ्रेम में थोड़ा साबुन डालेंगे, इतना काफी होना चाहिए। अब नेट के एंड को साबुन में डालेंगे और ये साबुन नेट में अटक जाएगा। अब इसमें पेंट डालना है। मैं ब्लू डालूंगा और रेड भी, फिर येलो, बबल। ये रंग तो डल ही चाहिए। देखो, अब हम बबल फुलाना शुरू करेंगे। बस ध्यान रहे कि हम कैनवस के पास ही हों। अब ये बड़े बड़े फोड़ देंगे। ये देखो, लगता है काम पूरा हुआ। हे, तो तुम्हें ये कैसा लगा? वाओ, आपने ये कैसे किया? मुझे बस बबल से इंस्पिरेशन मिली और मैंने ये बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडपा, मुझे पसंद आया। बबल्स बहुत बढ़िया चीज है। ओह, पेंटिंग, तुम मेरी सबसे ज्यादा मनपसंद पेंटिंग हो। ग्रैंडपा, देखो तो मेरी पेंटिंग पर मत आ गिरना। सच में ये बहुत बुरा होने वाला था अगर वो सच में इसके ऊपर लग जाते तो। ओह, जरा रुको, मेरे सूट जैकेट पर पेंट लग गया। ओह, मेरी पेंटिंग, नहीं। ओह, कितना बुरा होता, मैं तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। ओह, मुझे एक और अच्छा आइडिया मिला। एक्सक्यूज मी ग्रैंड्स, मुझे ये चाहिए। ठीक है, ये रहा हेयर स्प्रे। अब इसका काम शुरू करते हैं। मैं बस अपनी पेंटिंग पर एक लेयर बनाऊंगा। इसे पूरा कोट करने के लिए इतना काफी होगा। लो, और जब ये सूख जाए तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। देखो, हाथ पर बिल्कुल पेंट नहीं लगा। अब ये ग्रैंडपा के कुछ भी करने से हिलेगा भी नहीं। ओह, हे, तुम ठीक कह रहे थे, ये काम किया। मेरी जैकेट पर कुछ भी नहीं है। शुक्र है मैंने पहले सोच लिया था। अब मेरी पेंटिंग बिल्कुल सुरक्षित है। मेरी ड्राइंग बस हो ही गई। ये पेन खराब है। इसे लिख कर कर देखो, अभी भी काम नहीं कर रहा। मुझे गुस्सा आ रहा है। बकवास पेन, मुझे अपनी ड्राइंग फिनिश करनी थी। ध्यान से बच्चे। चलो पिंक वाला ट्राई करें, ये भी नहीं चल रहा। अभी मुझे लग जाता। बहुत हुआ। क्या है, मैं ड्राइंग खत्म नहीं कर पा रही, पेन काम नहीं कर रही। ये तो परेशानी की बात है, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ।
मैं समझ गई, मम्मी सब ठीक कर देंगी। जल्दी एक क्लेंजिंग वाइप लें और उसे मोड़ दें। अब एक टेप की स्ट्रिप पर इस वाइप को लगाएं और कॉटन स्वाब को वाइप के ऊपर लगाएं और रोल कर दें। कॉटन स्वाब को थोड़ा ढीला छोड़ दें। अब इसे टेप पर लगाएं और काट दें। अब इस स्वाब के ऊपर कलर इंक डालें। क्लेंजिंग वाइप इंक एब्जॉर्ब कर लेगी। एकदम आसानी से बन गया। ये लो स्वीटी। वाह, मैं दोबारा ड्रॉ कर सकती हूँ। थैंक्स मॉम, ये बहुत अच्छा है। अब मैं सन बनाऊंगी। शानदार मेरी बच्ची, बहुत मजा आ रहा है। वैम, वैम। इस कमरे में कितनी गड़बड़ है। हाय मॉमी, मुझे पता है। मुझे बाहर जाना है, पर जब तक मैं वापस आऊँ ये कमरा साफ होना चाहिए। पर ठीक है। ना ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर है। ओह नहीं, मॉम वापस आ गई। मुझे कुछ करना होगा और जल्दी। ये वैक्यूम काम आएगा। एक सॉप ये काम आएगी। मैं वैक्यूम होस के ऊपर सॉक लगा देता हूँ और सारे लेगो पीसेस इसी में खींच लेता हूँ। ये जल्दी से उठाए जाएंगे और घूमेंगे भी नहीं। अब मुझे बस सॉक को निकालना है। वाह, कितने सारे हैं। मुझे इसे छिपाना होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, ये सब। हाँ, तुम्हें ट्रीट मिलनी चाहिए। थैंक्स। खेलना चाहता हूँ। वो आराम से लो, ये ले लो। रार, रार। अब मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने कहा बस भी करो। रुको, इस रोबोट से खेल लो। ओ, मुझे ये चाहिए। बस ये करो। वाओ, कितना कूल है। अब मैं नेल्स कर सकती हूँ। ये बोरिंग है, मेरे साथ खेलो। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। समझ गए। मैं ये क्रिस्प पफ इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस पफ को पानी में डुबोएं और फिर साथ में जोड़ दें, जैसे हम ब्लॉक्स बना रहे हो। मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स पसंद है। मैं ये बॉल ले जा रहा हूँ। शुक्र है, अब वो थोड़ी देर बिजी रहेगा। ये हुई ना बात। शांति। ही ही ही। ये क्या है? बुद्धू बन गई। ओ, तुम सबसे प्यारी बच्ची हो। ये लो तुम्हारी बॉटल। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खैर, तो फिर मैं पी लेती हूँ। ये टेस्टी योगर्ट खाओगी। कितना क्रीमी है। ये लो डार्लिंग, ट्राई करो। नहीं, तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। रुको, मैं जानती हूँ हम क्या कर सकते हैं। एक योगर्ट का पॉट चाहिए। हम इसमें फूड कलरिंग डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कितना अच्छा रंग आया है। इतना काफी होगा। ये देखो हनी। ओह वाह, ये तो ब्लू है। मुझे दो। चलो खा जाओ मेरी बच्ची। ये यम्मी है। ओ, मेरी प्यारी बच्ची बड़ी हो रही है। आओ मैं तुम्हारा चेहरा साफ कर दूं। ओ, ये तो बाकी रह गया। हमें अब चलना होगा स्वीट हार्ट। मम्मी को बैड बॉयज को भी पकड़ना है ना। अब खिलौना नीचे रखो। अब तुम्हें अपनी जैकेट पहननी है। थैंक्स मम्मी। तुम बहुत बड़ी हो गई हो और भारी भी। किसी को खाना बहुत पसंद है। बहुत मजा आ रहा है मम्मी। लगता है मुझे हर्निया है। हाँ, चलो बूट्स पहन लो। चेरल, यहाँ वापस आओ। इसे देखो तो सही, कितनी प्यारी है। मैं उसे ऐसे पकड़ लेती हूँ। नहीं, मैं एक बुरी माँ हूँ। लेकिन हाथ सीधे करो।
मैं बेगुनाह हूँ कॉपर, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ तुम तो गए। इससे मुझे एक आइडिया आया, मुझे बस ये हैंड प्रिंट्स चाहिए। मैं इन्हें सर्कल्स पे काटूंगी और फिर दीवार पर लगा दूंगी। हे मॉमी, चलो एक गेम खेलें। तुम अपने हाथों को दीवार पर लगा सकती हो? ठीक है, ये तो आसान है मॉमी। देखो मैं कर सकती हूँ, अब क्या करूँ मॉमी? ऐसे ही रहो डार्लिंग, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। हाँ तुमने कर दिया, तुम जीत गए। मैं जीत गए? हाँ हाँ, अब चलो चलें। ठीक है स्वीटी, ये रहा तुम्हारा पेंट ब्रश और पेंट्स, मजे करो। ओह नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? मैं आर्टिस्ट हूँ डैडी, देखो। तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सा होने वाली है। वैसे एक खाली पेपर का पीस ले, इस पर थोड़ा पेंट लगाए, अब थोड़ा रेड ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स में फैला दे। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक बैग लगा दे। स्वीटी देखो मेरे पास क्या है। वाह डैडी, मुझे पसंद आया। ये पेंट देखो, ये तो इधर उधर फैल रहा है। पर अब यहाँ गंद नहीं मच रहा। ये काम नहीं कर रहा। थोड़ी जोर से फूंक मारो डियर। ऐसे मॉमी। मेरी बुक, ये गीली हो गई। अच्छे से खेलो स्वीटी। पर मॉमी बबल्स तो बन ही नहीं रहे। मैं आज नहा चुकी थी। सॉरी मॉमी। ओ बच्चा है, चलो गहरी सांस लो। सब ठीक है, मुझे टॉय पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ क्या करना है, जरा रुको। इतने सारे बबल्स, मुझे यही चाहिए। ये परफेक्ट है, देखो मॉमी क्या लाई। मॉम ये तो पिग है और ये बबल्स बना रहा है। अरे वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम इसके साथ खेलते क्यों नहीं हो? ये तो कमाल है, बहुत मजा आएगा। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। थैंक यू मॉम। यू आर वेलकम डियर। अब मैं आराम से अपनी बुक पढ़ सकती हूँ। यहाँ क्या फटा है? लगता है अब सुपर मॉम बनने की बारी है। मैं इस जगह को एकदम सफा चेक कर दूंगी। गंदे डायपर्स, हाँ? फिर मिलते हैं। स्मार्ट मामा से कोई पंगा नहीं लेगा। हाँ, तुम्हें चीजें बहुत पसंद थी। चलो ये किसी और के काम आ जाएंगी। ये मेरे टेस्ट का बिल्कुल नहीं है। मेरी पेंसिल, मैंने ये सब क्या बुरा किया था? अब शार्प ही करना पड़ेगा। देखो ये कितना कूल है, किसी स्प्रिंग की तरह। मम्मी जरा इसे देखो, कितना कूल है। रुको, मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, बहुत मजा आने वाला है। जरा इन सबको देखो, रेनबो के सारे रंग यहाँ है। मैं और पेंसिल्स का यही करूँगी। मामी, और पेंसिल्स नहीं बची स्वीटी। एक मिनट रुको, इसका हल हमारे सामने ही है। मैं लाइट्स को इस बॉक्स में रख दूंगी, सुंदर है ना? अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप, इसे हम कोनों पर कस कर लगाएंगे। देखा मैंने कैसे किया। अब थोड़ी जादू की बारी, इसके ऊपर इस तरह शुगर डालें, डालते जाएं जब तक ये ऐसे न दिखे। अब कमरे की लाइट्स बंद कर दें और अपनी उंगलियों से मजेदार डिजाइन बनाएं। स्वीटी इधर आओ। हाँ वो, ये बहुत कूल है। तुम जो चाहो वो बना सकती हो। तो मैं अपना फेवरेट एनिमल बनाऊंगी। मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। सब तैयार है, मेरे बाल ब्रश कर दो। तो आपने लंच पे क्या पैक किया है? एक बर्गर। ये एप्पल्स तो सड़े हुए हैं मॉम। ये प्लास्टिक बॉक्स की वजह से हुआ है।
एक मिनट रुको, ये रबर बैंड सिर्फ बालों के लिए ही नहीं है, अब एप्पल्स खराब नहीं होंगे। देखो और सीखो, पहले इसे स्लाइस करेंगे, देखा हो गया, पर अब ये पूरा नहीं हुआ। अब इसके ऊपर रबर बैंड लगाएंगे। हाँ, ये मैंने खुद बनाया है। तैयार हो हनी, ये रहे बिल्कुल नए एप्पल स्लाइसेस। अब चलो पिकनिक पर चले। हमने सही जगह चुनी है। मैं एप्पल खाने के लिए तैयार हूँ माँ। तुम्हें बिल्कुल ताजे मिलेंगे। तो चलो अब देखते हैं। ये तुम्हारे लिए फ्रेश है। वाह, क्या आपने इसे काटा हुआ है? आपकी तरह ये कोई नहीं काट सकता माँ। जरा मैं भी खा लूं। हाँ, पहला चैलेंज, पता नहीं इसमें क्या होगा। वाह, कितना प्यारा पपी है, हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। मैंने आर्टिस्ट को ये करते हुए देखा है, पता नहीं क्यों, पर ये अच्छा लग रहा है। ये पपी के लिए बहुत छोटा है। हाँ, मेरे पास भी हाथ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आह, समझ गई, ये आसान है। मैं अपना हाथ प्रेस करूँगी। तुम क्या कर रही हो? कम से कम वो खुश है। मैं पेपर पर हाथ इस तरह रखती हूँ और फिर इसे ड्रॉ करते हैं। इसे एक डॉग की तरह बनाना होगा, थोड़ा फर, प्यारी प्यारी आंखें और एक नाक। अब इसे कलर करेंगे। ये काफी अच्छा लग रहा है। लाइन के अंदर अंदर बस हो ही गया। लो, वो कितना प्यारा है, मुझे इस पर गर्व है। मैं इसे लकी बुलाऊंगी। ये काफी अच्छा है, मतलब मुझे मेरा वाला भी पसंद है, पर वाह, कम से कम तुमने कोशिश की। कौन जीता? हाँ, देखो कुछ हो रहा है। बिस्किट, यम्मी। इसकी शेप हड्डी जैसी है, जीनियस। मुझे डॉग थीम बहुत पसंद है, मैं इसे ट्राई करने का इंतजार नहीं कर पा रही। रुको, बिस्किट्स, बोन, डॉग। रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसका स्वाद कितना अच्छा है, मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। ओह, काश तुम ये ना करती। क्या हुआ? ये बिस्किट्स, ये पपी के लिए है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। हे, इधर आओ बच्चे, हमारे पास गुडीज हैं। चलो। हाँ, सबसे अच्छा बच्चा कौन है? तुम? हाँ, तुम। तुम्हें इतनी पोज करने के बाद भूख लग गई होगी। कितना तेज पपी है। तो चलो, ये तुम्हारे लिए ही है। अगले चैलेंज के लिए तैयार हो? एक कैक्टस, तुम तो गई। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम देखना। चलो, ये आसान होना चाहिए, मुझे जान लगानी होगी। कोई परेशानी नहीं, तुम ये कर सकती हो। बस हो ही गया, आखिरकार हो गया। फिर इसमें डिफरेंट बताओ, मुश्किल है ना? ये क्या है, जरा यहाँ देखो। पहले मैं स्पॉन्ज को सीधा खींचूंगी और लिम्स के लिए छोटे स्पॉन्ज। अब फूलों की बारी, मुझे बस थोड़ी डिटेल्स लगानी है। हो सकता है मैं इसके बाद इसे फ्रेम करूं। तो तुम्हें कैसा लगा? खैर, ये दोनों ही ग्रीन है। हार नहीं माननी, ये कोई कॉन्टेस्ट भी नहीं है। वाह, एक कैक्टस पिनाटा, इसके अंदर कैंडी होगी। जानने का एक ही तरीका है, मैं ये ब्लाइंड फोल्ड लगा लेती हूँ। ठीक है, पूरी जान लगानी होगी। क्या बात है, देखो। हाँ, तुमने कुछ कहा? वो कहाँ चली गई? हेलो, उसकी मर्जी। क्या हुआ है? हे, ये कैंडी कहाँ से आई? हे, देखो, आखिरकार एक पॉपिट। वाह,
ये सबसे अच्छा है। बचाते हुए और अच्छा दिखे। पहले एक स्क्वायर बनाएंगे और फिर सर्कल्स। मेरे पास बेहतर आइडिया है। शुक्र है ये फोटो कॉपियर यहाँ है। चलो पॉपिट इसमें जाओ और कॉपी दबाए। इससे बेहतर और क्या होगा? तुम क्या कर रही हो? हो गया, अब बस मुझे इसे कलर करना है। ओह, ये मजेदार होगा। एक रेड पेंट की लाइन यहाँ, अब बाकी ये एक रेनबो की तरह है। ये बिल्कुल पॉपिट की तरह लग रहा है। मुझे इसे प्रेस करना है। बहुत अच्छे, शायद इस बार मैं जीती हूँ। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। ये कैसा मजाक है, मेरे वाले को देखो। टेबल से दूर हो जाओ मैम, मुझे अपना हाथ दो और दूसरा वाला रोको मत। फोटोकॉपियर इस्तेमाल करना ड्राइंग नहीं है, यहाँ चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। सॉरी, ये कैसे कर सकती है? वाह, एक चॉकलेट पॉपिट, मेरी मनपसंद चीजें, स्वादिष्ट। ठीक है, तुम हमारे साथ चल रही हो, चलो। ओ, जो भी है। तुम तैयार हो? तुम्हें चेहरा पता है ना? केविन, वो तो कमाल है। कैसी हो? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जवानी का प्यार, ख्वाबों की दुनिया। मैं नींद में भी उसकी मुस्कुराहट पहचान सकती हूँ। क्या इससे पैनकेक बनेगा? आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है ना? ओ, एक हार्ट। अब अगला कलर। चीजें अब दिलचस्प होती जा रही हैं। ये हार्ट प्यार से भरा है, पर कौन सा वाला ज्यादा टेस्टी लग रहा है? बस हो ही गया, मैंने ये बहुत प्यार से बनाया है। मैं रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं कर सकती। चलो इसे पलटाएं और पलटाओ। कितना प्यारा है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। गर्ल्स, तुम दोनों ने इसे दिल से बनाया है, पर मैं एक ही चुन सकती हूँ, या फिर इस बार मैं दोनों को ही जता देती हूँ। वो सच में बहुत प्यारा है ना? अब अगला क्या है मॉम? अच्छा लग रहा है ना? ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा, है ना? ब्राउन कलर सही रहेगा। चलो शुरू करें। हर किसी को कपकेक बनाना आता है ना? ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। हम दोनों ने पूप इमोजी बना दिया, देखो। पर ये प्यारा है ना? लग रही है। बस थोड़ा सा ब्लू कलर और इसकी बॉडी को फिल भी करना है। ये बढ़िया बन रहा है। पर गर्ल्स, ये कपकेक तो नहीं लगता, इसी को तो कला कहते हैं। चलो इन्हें पलटाएं। बूम, हमने कर दिखाया और ये दोनों जबरदस्त हैं। और पता नहीं, शायद तुम दोनों ही। खैर, हार गई, कोई विजेता नहीं। हे, इधर आओ। हाँ, चलो चलिए यहाँ से। सुनो लेडीज, हमारे पास पार्टी के लिए खाना है। ये खाना तो नहीं लगता, तुम्हारी मर्जी। हे सर, आप स्नैक खाना चाहेंगे? हे भगवान, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, चलो कुछ मजेदार खाया जाए। नहीं, लेकिन जरा इधर लाओ, कम से कम एक से छुटकारा पाया।
अब इसे आधा आधा कर ले और ये हो गया। बुरा नहीं है, खासकर ऐसे शेप का अच्छा खाना। यहाँ किसी को हॉर्स राइडिंग पसंद है? कम से कम तुम हॉर्सेस बना तो सकते हो। यीहो! बहुत दिलचस्प होने वाला है, मुझे एकदम से मन कर गया। पर मुझे तो ज्यादा यूनिकॉर्न्स पसंद है। यूनिकॉर्न बकवास होते हैं। वापस आओ जीना और चलो काम शुरू करें, ठीक है? मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी अपनाऊंगी। बस इस तरह यहाँ फोल्ड करेंगे और इसके बाद ड्राइंग करेंगे। दोनों साइड को एक आर्च से कनेक्ट करें और ड्रॉ करते जाएं, जब तक कि ऐसा ना दिखे। हाँ, इतना काफी होगा। खुल जा सिमसम। हाँ, यहाँ चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाएंगी। बिल्कुल इस तरह की एक शेप बनाएं, अभी समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। और अब दूसरे सेक्शन में, और दूसरी साइड भी मैं ऐसा ही करूँगी। बहुत बढ़िया, आप समझ आ रहा है? हाँ, ये यूनिकॉर्न का चेहरा है, बस हमें थोड़े फीचर्स लगाने हैं। कितनी प्यारी लैशेस है। कोई बात नहीं, आखिर में सारी लाइंस भी अच्छी लगेंगी, खासकर जब हम इसमें मजेदार रंग भरेंगे। आखिरकार ये एक यूनिकॉर्न है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर इन क्लीन सिंगल लाइन से एक बहुत ही स्मूथ स्ट्रीक फ्री फिनिश मिलेगी। है, अगर एक आर्टिस्ट आराम से काम करे तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। हर चीज पर ध्यान दे और भरोसा रखे। हो ही गया, अब इस यूनिकॉर्न के जादुई हिस्से पर काम करते हैं। जितने ज्यादा कलर्स उतना बेहतर। कितना अच्छा कॉम्बो है ना? बस ये आखिरी परफेक्ट। ओह, चलो अपना सामान नीचे रख दो और दिखाओ तुमने क्या बनाया। ठीक है, तो ये देखो। बहुत अच्छे, ये रहा मेरा। हे भगवान, अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत टैलेंटेड हो। अगला चैलेंज बहुत डरावना है, समझे बेर? मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं समझ गई डेविड, चलो अभी से भरो। थोड़ा तुम्हारे लिए और थोड़ा मेरे लिए। यू आर वेलकम। खुशबू तो अच्छी है। मुझे ड्राइंग नजर नहीं आ रही। व्हाट्स? वो वाटरिंग, ये तो बुरा हुआ। शायद मैं इनका कुछ कर सकती हूँ। वाह, जो हुआ अच्छा ही हुआ। बस थोड़ी सी और शेप्स बनानी है और ये काफी मजेदार बन जाएगा। प्यारे से कान। और अब बॉडी पर आते हैं। आर्म्स कैसे भूल सकते हैं? और चेहरे से ये अच्छा दिखना शुरू हो गया। इसमें कलर्स चुनना बहुत आसान है, खासकर अगर इसका नाम ब्राउन बेयर हो। ये बिल्कुल वैसा टेडी बेयर है जिनसे मैं बचपन में खेला करता था। इन लाइन से ऐसा लगेगा कि ये फर है। लेग्स में भी यही करेंगे, परफेक्ट। और ये बहुत प्यारा है। मार्कर्स रख दो दोस्तों। अरे वाह वाह, तुम दोनों ने टेडी बेयर्स बना लिए। समझदार लोग एक जैसा सोचते हैं। ओह, ये ठीक पहला चैलेंज ले आया। ये तो फिश लग रही है। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। पर मैं शुरू कहाँ से करूँ? हाँ, समझ गया। बस एक स्वोली लाइन और अब डिटेल्स बनाएंगे। अब फिश स्केल्स, अब दूसरी फिश, इसकी टाइगर शार्क जैसी स्ट्राइप्स है, और अब आखिरी वाली। इस पर कैमोफ्लेज है ताकि ये सीवीड के साथ ब्लेंड हो सके। इन्हें रंगना सबसे मजेदार हिस्सा है। ये क्या कर रहा है? मुझे देखना है। ओ नहीं, टाइम खत्म हो गया। मुझे बस थोड़ा सा और करना है। वो मुझे फ्रीज कर रहा है। वो तुम्हें यटी की बात सुननी चाहिए थी। मेरा तो हो गया। मैंने तीन फिश बनाई और उन्हें रंग दिया।
हाँ, उसने मुझे फिश दे दी और ये असली भी है। मैं इसका क्या करूं? मैं इसे खाने तो नहीं वाला। ओहे, उसने इसे सुशी बना दिया। मैं इसे तो खा ही सकता हूँ। यहाँ चॉपस्टिक्स भी हैं। चलो शुरू करें। ओह, एकदम ताजी है। अरे हाँ, नायोमी तो अभी भी जमी हुई है। इसका क्या होगा? ओह, आखिरकार मुझे बहुत ठंड लग रही थी। हे, मेरी सुशी लो। शुक्रिया थॉमस। अब हमें क्या ट्राई करना है? चलो देखिए अगला क्या है। अरे वाह, बर्गर कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हे भगवान, ये मुश्किल होगा। स्केल तो ठीक है। वाह, ये काम नहीं कर रहा। समझ गया, रूलर मदद करेगा। हाँ, सारे नाप ले लिए। अब इसे कैप्चर करने के लिए मुझे सही चीजें इस्तेमाल करनी होगी। ओह, समय खत्म होता जा रहा है। मैं कलर्ड पेंसिल से बनाऊंगा। सबसे अच्छी चॉइस चौक है। बन तो बन गया। अब केचप, लेटस और मस्टर्ड। बर्गर पैटी ना भूले और नीचे वाला बन भी। वाह, कितना बढ़िया बन गया। ओ नहीं, काश और समय होता। इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। ये थी मेरा वाला, देखो कैसा लगा। हाँ, उसे पसंद आया। वो पर रुको, ये बर्गर तो बर्फ से ढका है। मैं आइस क्यूब बर्गर कैसे खाऊंगी? तुम्हारा बर्गर बर्फ का टुकड़ा है। अब ये एक और चैलेंज ले आया, एक परफेक्ट पिंक डोनट। मैं ही ये वाला लूंगी। नहीं, ये बुरा था। मुझे शुरू से बनाना होगा। ओह, सर्कल बहुत मुश्किल से बनते हैं। मैं इस पेंट जार से सर्कल ट्रेस करता हूँ। हाँ, इतना साइज बिल्कुल नहीं, ये बहुत छोटा है। एक सेकंड, मुझे पता है क्या करना है। मैं अपनी फिस्ट को ट्रेस करता हूँ। मैं क्या ही सोच रहा था, ये सर्कल नहीं है। हे, मेरा सर भी तो गोल है, ये काम करेगा। वाह, मैं ग्राफ पेपर इस्तेमाल करूंगी। आपको बस एंगल्स की जरूरत है, वरना स्क्वायर्स भी सर्कल्स बन सकते हैं। मैं डोनट के लिए ब्राउन इस्तेमाल करूंगी और अब पिंक ग्लेज के लिए मैं एक से ज्यादा शेड इस्तेमाल करूंगी। स्प्रिंकल्स के स्पॉट भी बनाने हैं। हो गया, कितना शानदार लग रहा है। ओह, वो कह रहा है कि टाइम पूरा हो गया। कम से कम ये सर्कल है ना? थोड़ा बहुत। ये ठीक, ये रहा मेरा डोनट। हाँ, उसे पसंद आया, मुझे पता था। वाह, अब मुझे डोनट मिला। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और टेस्ट लाजवाब है। अगर मैं किसी और का सर इस्तेमाल करता तो शायद बन जाता। पास कोई नहीं है तो मैं अपना सीक्रेट स्नैक खा सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है। हे, स्निकर्स, मुझे भी मिल सकते हैं? नहीं, इन ब्रेसेस के साथ तुम ये नहीं खा सकती। हाँ ठीक है, बस अपने दांतों का ख्याल रखना। क्या वो गर्ल? ठीक है, डिकोय कैंडी काम की। अब ये है ना असली चॉकलेट फ्री। मॉम, आपके पास और कैंडी है? वो तो कैंडी चोर है। लो, ये भी ले लो। मुझे यहाँ तो बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगी। मॉम, कैंडी, रुको, भागना बंद करो। चलो भीड़, मुझे भी अपनी कैंडी दो। मॉम, ठीक है, लगता है मैंने उससे छुटकारा पा लिया। हे भगवान, ये बहुत चालाक है और तेज भी। आखिरकार जान छूटी। ये कैसा मजाक है।
हाँ आओ, ये बस एक सपना था, बहुत ही भयानक सपना। अगर वो सच में यही कहीं छिपी होगी तो ऐसा मत सोचो, वो सो रही है। मैं जरा अपना मिडनाइट स्नैक खा लूं। ओह रोमेन, मैं एक लीफ भी ले लेती हूँ। थोड़ा चालाकी से काम करना होगा। लो अब उसे कैंडी नजर भी नहीं आएगी। ओ, तुम्हें भूख लगी है, ये लो लेटस। एव, मुझे ये नहीं चाहिए। ये काम किया, अब मैं आखिरकार अपनी चॉकलेट खा सकती हूँ। मुझे इसका हक है। मॉम, मुझे देखो। मॉम, देखो। मॉम, मॉम, मुझे देखो। मॉम, मम्मी अभी फोन पर बात कर रही है। अरे हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, उसने उसे रोज दिया। मैं दुनिया में सबसे ऊंची छलांग मार सकती हूँ। मॉम, मैं आप पर पानी फेंकूंगी। हनी रुको, ये मत करो, मम्मी फोन पर बात कर रही है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वी, कस कर पकड़े रखना मिस्टर वुफसंस। नहीं, मिस्टर वुफसंस मेरा बेस्ट फ्रेंड। वाह, सारा दूध फैल गया। हाँ बिल्कुल, सारी जगह। अब मुझे इसे साफ करना होगा। हाँ, ये ट्रे दूध से भर गए। मुझे एक आइडिया आया। हाँ, ये रही फूड कलरिंग। अब हम इसे दूध में डालना शुरू करेंगे। ये अभी से फैलना शुरू हो गई है। अब बीच में लाल रंग डालेंगे और फिर येलो और ग्रीन। अब हम डालेंगे थोड़ा सा डिश सोप। इस कलर बॉल को तो देखो। सोप के साथ थोड़ी कॉटन बॉल्स भी डालेंगे। इन रंगों का जादू तो देखो। वाह, कितना कूल है, ये रंग कितने सुंदर है। हाँ अब इसे देखो। तब तक मॉम अपनी कॉल पर बात कर रही है। हाँ हे, हाँ मैं वापस आ गई। हाँ वो बहुत तंग करती है। ओह, ये सामान बहुत भारी है। आखिरकार मैं आ ही गई, अब इन्हें संभाल देती हूँ। ये बैग तो पूरा हुआ, अब बाकी रखते हैं। मॉम शॉपिंग कर गई थी, चलो स्नैक्स देखें। हाँ, सोडा और चिप्स। हाँ अब दूसरा बैच, ये यहाँ लगेगा और ये वहाँ। लगता है फ्रिज में अभी बहुत जगह है। वो दोबारा गई और स्नैक्स ले लेते हैं। ये तो और बेहतर है, चॉकलेट। यमी यमी यमी, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। ठीक है, इतनी थकावट के बाद मैं कुछ खा लेती हूँ। क्या, सारा खाना कहाँ चला गया? ओह नहीं, मेरे घर में ऐसे चोर नहीं चलेंगे। ये वो दोबारा चली गई और स्नैक्स खाएंगे। मैं समझ ही गई थी, तुम फ्रिज में से खाना लेकर कहाँ जा रही हो? अरे नहीं, वो मुझसे भाग नहीं सकती। वो ये ब्रेसलेट यहाँ छोड़ गई है। मैं जानती हूँ इसे कैसे ठीक करना है। साइड पर बस ये प्लास्टिक हुक्स लगाने हैं और एक यहाँ पर भी। इसके बीच में रबर बैंड लगाकर ये स्ट्रेच होता रहेगा और ये फ्रिज को बंद रखेगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये स्नैक टाइम। हे, मैं खोल नहीं पा रही। गलत बात है, अब मुझे स्नैक्स नहीं मिल सकते। ड्राइंग बहुत मजेदार है। बीप बीप। Hey, मत करो। क्या, मैं बस गाड़ी चला रहा हूँ। ब्रूम ब्रूम। ये खराब हो गई, मैं डैड को बताऊंगी। बहुत बढ़िया, अब मैं फंस गया। हे hey, बच्चों, सब ठीक तो है? चलो ये सब मुझ पर छोड़ दो। शुक्र है मेरे पास ये टी शर्ट है। लो, ये बेहतर है ना, अब तुम साथ में रह सकते हो। ये तुम्हारी गलती है। मैं गाड़ी चलाऊंगी, चलो मजा आएगा। ब्रूम। ये मजेदार है। कितना बढ़िया लग रहा है और खुशबू भी अच्छी है। देखो दादी, ये उड़ रहे हैं। क्या इमेजिनेशन है, खाना लगभग तैयार है। ये लो हनी, डैडी स्पेशल। ये क्या है? दलिया, खाओ खाओ, इससे तुम ताकतवर हो जाओगी। पर इन्होंने ट्राई तो किया। मैं ये नहीं खाने वाली, मेरे पास एक आइडिया है। इधर आओ दोस्त। तुम्हें भूख लगी होगी? क्या मैंने कुछ सुना? नहीं,
ये मेरी इमेजिनेशन होगी। ये लो मजे करो, अब मैं खेल सकती हूँ। ये दलिया बहुत अच्छा है। ये क्या, तुम्हारा दलिया कहाँ गया? अब मुझे क्या हो गया है, मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने दे सकता। तुम्हारा बोल कहाँ है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? खैर ये लो, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। और दलिया तो कोई पसंद आएगा, एक और बार ले लो। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ओप्स, सॉरी दादी। अच्छी कोशिश थी। पर मैंने सॉरी कहा। मैं जानता हूँ क्या करना है, मैं ये ले रहा हूँ। और ये भी मेरे खिलौने। तुम्हें सबक सीखना होगा, मैं जीनियस हूँ। सक्शन कप्स काम आएंगे। दलिये से भरा पूरा बोल। चलो दोबारा ट्राई करें। मैं चाहता हूँ ये सारा तुम खाओ, ये बोल कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू। ये हिल क्यों नहीं रहा? चलो भी। मैंने कहा ना, सारा खा लो। ये गलत बात है। तुम्हें ये चाहिए। ये आया एयरप्लेन। यक। तुम हैंडसम लग रहे हो। ओह, ऐसे बाल भी। लो, एक भी बाल इधर उधर नहीं हुआ। अब हम खाना शुरू करें। नैपकिन मत भूल जाना, हमें शर्ट गंदी नहीं करनी। मम्मी पर सभी आती हैं। ठीक है मम्मी। ओह, नटेला। मुझे इसे चख कर देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मॉम बिजी है, यही मौका है। ये बहुत टेस्टी होगा। तो हनी, लंच तैयार है। क्रिस, मैंने कुछ नहीं किया। तुम कितने गंदे हो गए हो। चम्मच नीचे रखो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, हमें साफ करना होगा। ऐसे ही बैठे रहो, कितनी गड़बड़ कर दी। लो। थैंक्स मॉमी। अब यहाँ चॉकलेट लग गई। मैं साफ कर कर आती हूँ। ये लड़के भी ना। चलो, इसे चोट तो नहीं लगी। रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। मैं जानती हूँ क्या करना है। चलो काम शुरू करते हैं। आखिरकार साफ हो गया। ओह, और नटेला। नहीं बिल्कुल नहीं, इसके जगह ये ट्राई करो। देखो, डिस्पेंसर को दबाओ और नटेला बाहर आएगी। और ये फैलेगी भी नहीं। वाह, कमाल है। थैंक्स मॉम। मैं अपने बच्चे के लिए खुद भी कर सकती हूँ। तुम बहुत हैंडसम हो। नहीं, शुक्रिया बच्चे। ये रही साफ बोतल, बिल्कुल तैयार है। अब बेबी फॉर्मूला की बारी। इसे कितना डालना चाहिए? देख लेते हैं, थोड़ा अंदाजे से डाल देंगे, इतना काफी होगा। यहाँ तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, इस बार मैं नाप कर डालूंगा। ये रहा एक स्कूप। ध्यान से, ध्यान से। कुछ ज्यादा ही आ गया, फालतू का हटा देता हूँ। ये पाउडर तो फैल गया। ठीक है, एक तीसरी कोशिश। मैं फालतू का काउंटर से ही हटा दूंगा। नहीं, ये क्या हो गया? ये इतना मुश्किल कैसे है? मैं कर सकता हूँ। हाथ हिलाना बंद करो, मेरे हाथ इतने क्यों हिल रहे हैं? हे भगवान, यहाँ कितना गंद मचा हुआ है। लव, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाती हूँ। तुम्हें चाहिए एक बटर नाइफ। ऊपर से एक स्लाइस काटो, अब आधा फॉइल भी निकाल लो। अब तुम इसमें से स्कूप निकाल सकते हो और इस पर ढक्कन भी है। देखा, आसान है ना? अब तुम करो। वाह, देखो पाउडर कितना फ्लैट है। बेबी के लिए इसे शेक भी करना होगा। गुम 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 क्या? याइक्स, क्या? इसे पिलाना तो होगा ही। पर लिटिल पोनी आराम से अपने घर आ गया।
ये मेरी मनपसंद कहानी है। और एक बार की बात है, वो वार्म स्ट्रॉ में बस गया और फिर सो गया। अब तुम्हारी भी सोने की बारी है। पर मैं सोना नहीं चाहती, अंधेरे में मुझे डर लगता है। ये क्या है? शैडो मॉन्स्टर्स! मॉम! हे भगवान, क्या हुआ? वहाँ पर एक डरावना शैडो मॉन्स्टर है। ओह अच्छा, डरो मत, मेरे पास इसका हल है। देखो, ये रहा मॉमी का स्पेशल मॉन्स्टर स्प्रे। इसे बनाना बहुत आसान था। हमें बस चाहिए एक स्प्रे बॉटल, एक मार्कर और कुछ मजेदार चीजें। स्प्रे बॉटल के ऊपर इस मार्कर से लिखेंगे, फिर इसे लेबल करना है ताकि ये अनोखा दिखे। इसे लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा। और फिर गूगली आई लगाएंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ मजेदार जोड़ते हैं। गोल्डन स्पार्कली स्टार्स। अब हम इसमें पानी भर लेंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये पानी है। मेरे पास मॉन्स्टर स्प्रे है। मॉन्स्टर स्प्रे? इससे मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं? हाँ, गुड नाइट। ये लो मॉन्स्टर्स। हाँ, अब तो मॉन्स्टर्स डर के भाग जाएंगे। आह, ये क्या है? मॉन्स्टर! आह, स्प्रे करना होगा। ओह, हनी, रुको, ये मैं हूँ। मॉमी? ओह, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हें सेफ तो फील हो रहा है। अच्छा है हनी, तुम खेलते रहो। मुझे गमी बेयर्स पसंद है, ये च्यूई है। आ, मेरा पॉपेट टूट गया। मॉम! कोई बात नहीं, चलो दूसरे वाले के साथ खेल लो। बहुत अच्छे, अब मैं खा लेती हूँ। ओह, मुझे कॉल कौन कर रहा है? हे, तुम कैसी हो? तुमने लास्ट एपिसोड देखा? अरे हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ उसने उसे चुना। ओह, मुझे खाना गर्म करना होगा। मैं प्लेट माइक्रोवेव में रख देती हूँ। अरे हाँ, खैर अगला एपिसोड भी अच्छा ही होगा। मॉम, मेरे गमी बेयर्स कहाँ है? मैं ये गंदा खाना नहीं खाना चाहता। अरे नहीं, मैंने वो प्लेट तो माइक्रोवेव में रख दी। मेरे गमी बेयर्स! ओ नहीं, ये तो पिघल गए। ये गमी तो खराब हो गए। आपने खराब कर दिए मेरे गमीज। रुको, मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। पहले इसे सेट होने दूंगी। अब मेल्टेड गमीज में स्टिक्स डाल देते हैं। बहुत सारी स्टिक्स। अब मैंने शेप देकर सूखने दूंगी कि कितने अच्छे लग रहे हैं। डार्लिंग, रोना बंद करो और ये लो। ओह वाह, एक लॉलीपॉप। यम्मी, ये मेरी फेवरेट गमीज जैसी है। शुक्रिया मॉम, आप सबसे अच्छी हो। वो हे, जरा इसे देखो। हाँ हाँ, अच्छा है, पर अभी मैं पढ़ रही हूँ। वो ये वाला कैसा रहेगा? देखो, ये सब करना बंद करो, मैं पढ़ रही हूँ। हे मेरे भगवान, ये गमी बेयर्स के साथ क्या कर रही है? उसने इन्हें पिघला दिया। अब उसके पास स्ट्रॉबेरी है। अरे वाह, उसने स्ट्रॉबेरी को गमी मेल्ट में डुबो दिया। लाजवाब, उससे मुझे बहुत बढ़िया आइडिया आया। ये रहा एक पूरा गमीज का जार और एक बोल। मैं एक कर सकता हूँ। चलो जाओ गमीज, माइक्रोवेव टाइम। अब बस इनके पिघलने का इंतजार करना होगा। बढ़िया, ये हो गया। मैं इसे ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, अब मुझे थोड़े स्ट्रॉबेरीज चाहिए और फ्रूट्स भी।
उप्स, स्क्यूअर तो भूल ही गए, वो तो बहुत जरूरी है। स्ट्रॉबेरी को स्क्यूअर पर लगाएंगे और अब इसे ट्राई करते हैं। ओह, देखो ये मेल्टेड गमीज में कैसे डूब रही है। इसे घुमाएं ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। मैं इसे स्प्रिंकल से सजा सकता हूँ। स्प्रिंकल से सब बेहतर हो जाता है। हम इसे घुमाएंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। हे भगवान, जरा उसे देखो, वो तो सो ही गई। चलो थोड़े और बनाएं और इस बार किसी और फ्रूट से। अब इसे इसमें घुमाओ। ये तो ब्लैकबेरी पिक्स पर भी लग रही है और ग्रेप कितना शाइनी लग रहा है। और अब स्प्रिंकल्स की बारी भी। ये छोटे छोटे हार्ट्स कितने प्यारे हैं। ये देखो, पूरी प्लेट तैयार हो गई। जी हाँ, अब जरा सी ताली बजाकर उसे उठाते हैं। बस जरा सी ताली बजानी है। हाँ, ये लाइटिंग को क्या हो गया? बहुत अच्छी है। ता-दा! मैंने तुम्हारे लिए एक रोमांटिक ट्रीट बनाई है। चलो अब एक उठाओ। ये तो कमाल है। लो, पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगी। स्वादिष्ट। और ये तुम्हारे लिए। ओह वाह, ये तो काफी अच्छा है और बहुत रोमांटिक भी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। खैर, ये अच्छी है, तुम्हें और चाहिए? नहीं, ठीक है। मैं जरा इस पर छिड़क देती हूँ, ये थोड़ा प्लेन लग रहा है। हेलो डियर, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूल लेकर आया। अरे वाह, कितना प्यारा सरप्राइज है। ये खूबसूरत है और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। लो, मेरा फोन ले लो और एक अच्छी सी फोटो खींच दो। ठीक है, तो तुम तैयार हो? स्माइल। ओह, ये देखो, जरा इस तरफ से लेना। शुक्रिया, इतना काफी होगा। और अब मैं इसे इस वेस में डाल देती हूँ। अब मुझे मेरा फोन वापस दे दो। मेरा फोन। ओ नहीं, नहीं, टूटने की आवाज आई। मेरा प्यारा फोन, अब मैं क्या करूं? ओह हाँ, बहुत बुरा हुआ, तुम्हें नहीं देखना चाहिए। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी तरह से टूट गया। खैर, हम इसे इस टेप से जोड़ सकते हैं। ये कैसा मजाक है। खैर, या फिर ये हैमर काम आए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ओह, मैं भी बुद्धू हूँ, मैं अपना फोन इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, देखते हैं हम इसका क्या कर सकते हैं। रुको, क्या ये टूथपेस्ट है? वो इसे स्क्रीन पर लगा रही है और अब इसे रब कर रही है। ये ऐसा क्यों कर रही है? ठीक है, और अभी इसे साफ कर रही है। रुको, क्या स्क्रीन के क्रैक्स कहाँ चले गए? चलो हम भी इस टूटे हुए फोन पर ये ट्राई कर लेते हैं। ये रही टूथपेस्ट की ट्यूब और अब हम तैयार है। जैसा वीडियो में दिखाया है, मैं इसे पूरी स्क्रीन पर लगा दूंगी। हाँ, इतना काफी होगा। और अब ये रहा नैपकिन इसे साफ करने के लिए। ओह, ये तो सिर्फ फोन पर फैल रहा है, मुझे नहीं लगता ये काम आएगा। इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरा बेचारा फोन। अरे नहीं, खैर एक सेकंड रुको। हनी, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है, बिल्कुल यहाँ। अरे यार, तुम्हें हमेशा मेरा मूड ठीक करना आता है।